नमस्कार, न्यूज ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। धूम धड़ाका, रोशनी और दीपावली खुशियों का त्यौहार है, लेकिन दीपावली अब केवल खुशियों का त्यौहार बन के नहीं रह गया बल्कि बिग बाजार हो गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में जहां भारतवासी रह रहे हों वहां दीपावली एक बहुत बड़े बाजार के रूप में उभरी है। वहां भारतवंशी दीपावली पर बड़ी खरीदारी करते हैं। हद तो यह है कि साल भर महंगाई का रोना रोते आ रहे भारतवंशी या भारत के लोग जहां भी हैं वहां भी महंगाई की इस दिक्कत से छुट्टी पाए दिखते हैं और दोनों हाथ से खरीदारी करते हैं। दुनिया भर में दीपावली एक ऐसे पर्व के रूप में उभर रहा है जो पर्व, उत्सव, धूम धड़ाका, इन सब के साथ साथ बिग बाजार का भी त्यौहार बन गया है। सीधी सी बात है कि महंगाई अपनी जगह, त्यौहार अपनी जगह। अमेरिका, यूएई, ब्रिटेन, हर जगह दीपावली की धूम है, बाजारों में रौनक है, सरकारों की तरफ से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। भारत में दिवाली कंज्यूमर बिजनेस के लिए कमाई का सबसे बड़ा अवसर होती है। कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों ने यह अनुमान लगाया है कि इस साल की दिवाली पर पिछले समय की तुलना में 70% ज़्यादा खरीदारी होगी, यानी 70% ज़्यादा पैसे खर्च किए जाएंगे। ये पैसे कपड़ों पर, आभूषण पर, नई गाड़ियों पर और मौज मस्ती पर खर्च किए जाने का अंदाज लगाया गया है। अमेरिका में कोई 60 लाख भारतवंशी हैं। अमेरिका के रिटेलर्स को उम्मीद है कि इस बार वहां भी जमकर बिक्री होगी। दरअसल 2020 की अमेरिकी जनगणना के आंकड़ों के अनुसार लगभग 44 लाख की भारतीय अमेरिकी आबादी 2010 और 2020 के बीच 50% से अधिक बढ़ गई है। प्यू रिसर्च सेंटर के अनुसार अमेरिका की भारतीय अमेरिकी आबादी के बीच औसत घरेलू आय जो 2019 में $1,19,000 प्रतिवर्ष थी, वह व्यापक अमेरिकी आबादी की औसत आय से काफ़ी अधिक है। यानी भारतवंशी जो अमेरिका में रह रहे हैं उनकी आमदनी और उनके पास जो संपत्ति है वह मूल अमेरिकी लोगों की संपत्ति और आमदनी से ज़्यादा है। जुलाई में किए गए पिंटरेस्ट GWI के रिसर्च से पता चलता है कि दिवाली उत्सव शब्द की खोज में साल दर साल 60% की वृद्धि हुई है। मतलब साफ है कि ऑनलाइन सर्च में दीपावली शब्द अब काफ़ी प्रचलित हो चला है। अमेरिकी व्यापारी इसीलिए व्यावसायिक संभावनाओं के मद्देनज़र इस त्यौहार को ज़्यादा अपना रहे हैं। अमेरिका में दिवाली का महत्व भी बढ़ ही रहा है। 2022 में राष्ट्रपति जो बिडेन ने व्हाइट हाउस में दिवाली को अब तक के सबसे बड़े उत्सव के साथ मनाया। यह मान्यता राज्य और शहर स्तर पर भी दिखाई दी है। पेंसिल्वेनिया राज्य सीनेट ने इस साल अप्रैल की शुरुआत में दिवाली को आधिकारिक अवकाश राज्य बनाने वाला एक विधेयक पारित किया। न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने जून में घोषणा की कि दिवाली पर स्कूलों की छुट्टी होगी। दुबई और यूएई में भी बहुत ढेर सारे भारतवंशी रहते हैं। शायद यही वजह है कि दिवाली के अवसर पर वहां भी कंज्यूमर आइटम्स में बहुत ढेर सारे ऑफर दिए जाते हैं। इस साल प्रॉपर्टी खरीद पर छूट, लकी ड्रा में कारें और गोल्ड बिस्किट जैसे इनाम घोषित किए गए हैं। मॉल आदि में दिवाली फेस्टिवल बाजार सजे हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात में ज्वेलर्स के लिए दिवाली एक बड़ा उत्साह है। भीम ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर बी गोविंदन कहते हैं, त्योहारों के मौसम में सोना खरीदने के लिए लोग अक्सर पूरे साल बचत करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस दिवाली में बिक्री में तेजी आएगी और खरीद फरोख्त की गतिविधियां बढ़ेंगी। वह मानते हैं कि दिवाली एक शुभ दिन है। उन्हें इस बात का भरोसा है कि संयुक्त अरब अमीरात के लोग दिवाली पर सोने में निवेश जरूर करेंगे। भारत के किसी भी छोटे और बड़े शहर के छोटे या बड़े बाजार से गुजरें तो बाजार ठसाठस भरा हुआ मिलेगा। आपको हर आइटम पर कोई ना कोई छूट मिलेगी। हर दुकानदार अपने साल के सबसे अधिक बिक्री के आंकड़े बताता मिलेगा। इस लिहाज से यह तो मानना ही पड़ेगा कि
की खरीद के लिए, कंज्यूमर आइटम्स के लिए, किसी भी नए सामान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दिवाली एक अवसर है। और इस अवसर को अब मार्केट ने भी कब्जियाना शुरू कर दिया है। देखना है जिस तरह बाज़ार ने मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे, इस तरीके तमाम तरह के दिनों को उत्सव में तब्दील कर दिया, उस तरह क्या बाज़ार हमारे दीपावली की रंगत को बढ़ाता है या फिर सिर्फ इसे बाज़ार बना करके छोड़ देता है। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।